कस्बे में हुई तीन नकबजनी की वारदात के मामले में सफलता प्राप्त करते हुए तीन आरोपियों को पकड़कर चोरी की गए माल को भी जब्त किया है, जिसमें जब्त मशरू का 3,35,460 रुपए का खुलासा किया गया है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि गोल्डी उर्फ उदय उर्फ उदिया निवासी सेगांव बड़वानी व गोलू उर्फ बचकाना निवासी भवानी नगर बाणगंगा इंदौर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त लोहे की दो टामिया, कपड़े का बैग, हाथों में पहने कड़े भी जब्त किए गए हैं और बाद में आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अन्य अपराधों के संबंध में पूछताछ हेतु पीआर पर थाने लाया गया। पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में अलग अलग जगह तीन नकबजनी की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि चोरी की वारदातों का जल्दी से जल्दी हम इसको क्रैक करें और जो भी मशरूका गया है उसको बरामद करें। इसी तारतम्य में हमारी टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को कसरावत पुल चेकिंग से पकड़ा गया और उसके बाद पूछताछ करते हुए उनके द्वारा यह घटना करना कबूल किया गया है और उनके पास से जो चोरी गया पूरा मशरूका है वो बरामद किया गया है और टीम द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया। इसे तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपए का रिवॉर्ड भी इन्हें दिया जाएगा। इनके विरुद्ध पुराने कोई प्रकरण दर्ज थे? दोनों ही आरोपियों के पुराने प्रकरण भी हैं। इनके द्वारा लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इस संबंध में और इनका इनसे पूछताछ की जा रही है। अच्छा, एक आरोपी इंदौर का, एक भवानी का, इनका आपस में तालमेल कैसा हुआ? ये एक गैंग के रूप में काम करते हैं और लगातार अलग अलग जगह पर ये लोग वारदातें करते हैं, इस संबंध में इनका आपस में कम्युनिकेशन है। योगेश चोयल की रिपोर्ट।